हेलो दोस्तों, कैसे पीसीसी वेट हो रहा है कि नहीं कि भाई अभी भी ना प्राइस ड्रॉप होने का वेट हो रहा है। आई नो दोस्तों, हम जैसे लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होती है। हम लोग इधर प्राइस ड्रॉप होने का वेट करते हैं, उधर रातों रात न्यूज आती है कि प्राइस अप हो गए हैं। अब इस कंडीशन में दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। प्राइमरी वो जिन्हें एक हाई एंड गेमिंग पीसी बिल्ड करना होता है, उन्हें ना प्राइस से ज्यादा कॉम्पोनेंट से मतलब होता है, क्योंकि उन्हें FPS चाहिए होते हैं। अब प्राइस भले दो गुना या तीन गुना, अगर उन्हें उन कॉम्पोनेंट्स की नीड है तो वो लोग परचेज करेंगे करेंगे। और सेकंड नंबर में मेरे वो भाई लोग आते हैं जिन्हें खाली एक ऐसा पीसी चाहिए होता है जिनके में गेम चल जाए, भले 60+ FPS ना दे, लेकिन बस उनके में गेम चल जाए, वो लोग उसी में ही खुश हो जाते हैं। सो दोस्तों, मैं अपने उन्हीं भाइयों के लिए लेके आया हूँ एक 25,000 के बजट में ऐसा बेड जो GTA 5 जैसा गेम ना मिड लेवल सेटिंग पे अच्छे FPS खिलाने के कैपेबल होगा। और लास्ट में देखेंगे इस पीसी के कुछ बेंचमार्क। सो दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आप देख रहे हैं टेक ऑफ इंडिया का न्यू एपिसोड, जिसमें हम लोग बिल्ड करने वाले 25,000 के बजट में एक पीसी। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें तो वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो मैं इस बिल्ड में यूज करूंगा वो आता है इंटेल की तरफ से, उसका 10100 जो कि इंटेल के 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। 10100 में इंटेल के इंटीग्रेटेड अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिलते हैं, जिसके लिए हमें कोई अलग से डेडिकेटेड GPU की नीड नहीं होती। 4 कोर्स और 8 थ्रेड के साथ आता है। 3.6 GHz की बेस क्लॉक और 4.3 GHz की मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक की फ्रिक्वेंसी के साथ आता है। और 1080p के नॉर्मल सेटिंग पर ये प्रोसेसर काफी अच्छी गेमिंग करवाने के कैपेबल होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट की बात करते हैं, हमारा मदरबोर्ड जो मैं इस बिल्ड में यूज करने वाला हूं वो आता है ASUS की तरफ से आने वाला उसका प्राइम H510M-E। H410 मदरबोर्ड ही हम लोग इस बिल्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन H410 और H510 दोनों में हमें 200 से 250 रुपए का फर्क देखने को मिलता है। 200 और 250 रुपए इन्वेस्ट करके हमें लेटेस्ट सीरीज का मदरबोर्ड मिल जाता है, इसलिए मैंने इस बिल्ड में H510 ही यूज किया है। H510 LGA1200 सॉकेट के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, मतलब कि इस मदरबोर्ड में इंटेल की 10th और 11th जनरेशन का ही प्रोसेसर सपोर्ट होगा। 12th जनरेशन का प्रोसेसर इस मदरबोर्ड का सॉकेट सपोर्ट नहीं करेगा। ये मदरबोर्ड 2 RAM स्लॉट के साथ आता है और विंडोज 11 रेडी मदरबोर्ड है। HDMI, VGA, DP तीनों पोर्ट मिलते हैं, USB 2.0 के 2 पोर्ट और उसी के साथ USB 3.0 के भी 2 पोर्ट मिलते हैं। और तो और, इस बोर्ड में जनरेशन 2 के ARGB हेडर भी मिलते हैं जो Aura Sync सॉफ्टवेयर के साथ कंट्रोल होते हैं। अगर आपके कैबिनेट में ARGB स्ट्रिप या ARGB फैन सपोर्टेड है तो जलाओ जितनी ARGB जलानी है। रैम इस बिल्ड में यूज करने वाले क्रूसिया बैलिस्टिक्स की 8GB के सिंगल स्टिक को, विच आर क्लॉक्ड एट 3000 MHz फ्रीक्वेंसी। वैसे ये प्रोसेसर 26-66 MHz फ्रीक्वेंसी के रैम को ही सपोर्ट करता है। XMP वगैरह ऑन करने के बाद भी इसकी फ्रीक्वेंसी 26-66 MHz पर ही लॉक रहेगी, इसलिए मैंने इस बिल्ड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रैम को यूज नहीं किया है। 16GB की रैम भी इस बिल्ड में यूज कर सकते हो, लेकिन ये एक बजट बिल्ड है तो 8GB रैम मुझे इनफ लगी। अगर आपको 8GB रैम कम लगे तो आप फ्यूचर में 16GB के साथ भी जा सकते हो। स्टोरेज बात करें तो 25,000 के बजट में मैं प्राइमरी स्टोरेज को इंक्लूड करूंगा और सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क को मैं इस बजट में इंक्लूड नहीं करूंगा। प्राइमरी स्टोरेज में ADATA की XPG GAMX S5 256GB M.2 NVMe को यूज करूंगा। XPG काफी बजट फ्रेंडली ब्रांड है और इस NVMe के परफॉर्मेंस भी काफी एक्सीलेंट है। 2100 MB/s की रीड स्पीड और 1500 MB/s की राइट स्पीड मिलती है। NVMe के ऊपर हीट सिंक भी मिल जाती है। 256GB स्टोरेज अगर आपको कम लगे तो आप 1 TB या 2 TB का स्टोरेज बढ़वा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ज्यादा स्टोरेज की नीड है। इन सारे कॉम्पोनेंट्स को पावर देने की बात करें, मतलब की पावर सप्लाई की बात करें, तो मैं इस बिल्ड में यूज करने वाला एंटी स्पोर्ट्स की VS500L जो कि 500 वॉट की है और बजट फ्रेंडली भी है और स्पेशली इन टाइप्स के बजट बिल्ड के लिए आती है। चलिए लास्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है कैबिनेट। कैबिनेट जो मैं इस बिल्ड में यूज करने वाला हूं वो आती है पीसी कूलर की तरफ से, उसके प्लैटिनम LM300 ARGB कैबिनेट। इसके फ्रंट में ARGB स्ट्रिप मिलती है जो H510 मदरबोर्ड के साथ सिंक हो जाएगी। काफी अच्छी कैबिनेट और लुक वाइज काफी अमेजिंग है। इस कैबिनेट के रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में दे चुका हूं, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाके क्लिक करके इसका रिव्यू देख सकते हो। एग्जॉस्ट के लिए फैन जो मैं इस कैबिनेट के साथ यूज करूंगा वो आता है पीसी कूलर की तरफ से, उसका FX120 जो कि एक ऑटो RGB फैन है। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में इस पीसी के कुछ बेंचमार्क भी देख लेते हैं। सो दोस्तों, आपको ये बिल्ड पसंद आए हो या आपको परचेज करना हो या कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे नीचे Insta ID पर DM भी कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि जिन लोगों को 25,000 के बजट में एक पीसी चाहिए उन तक ये वीडियो पहुँच सके। जल्दी मिलते हैं टेक ऑफ इंडिया के न्यू एपिसोड में। अंत तक की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।